हेलो, क्या वेलकम बैक बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैंने टॉपिक क्या क्या करा दी, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर कल बात। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने समझाए और मैंने कोशिश करी आपको बहुत आसानी से बेटा हर लेवल के फंक्शन याद हो जाए, क्योंकि पेपर में क्या होगा, उन्होंने एक डेजिग्नेशन आपको दे देना है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा ये डेजिग्नेशन किस लेवल का डेजिग्नेशन है, और उसके फंक्शन लिखने को होते हैं पेपर में। मैंने कोशिश करी कि वो बड़े इजीली याद हो जाए, और ऐसा सच मुझे कुछ मुश्किल लगता नहीं उसमें याद करने का। मैंने अरसों पहले कभी याद किया था शॉर्टकट से, जैसा कल आपको सिखाया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। बढ़ जाए आगे बेटा। एक टॉपिक है छोटा सा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव अचीव करवाता है मैनेजमेंट आपसे। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। चाहे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोल लो, चाहे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोल लो, देन सोशल ऑब्जेक्टिव, देन बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बेटा, किसी भी मैनेजमेंट का काम सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कराना है, विच इज सर्वाइवल। देखो एक बार, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखो, इनिशियली जब आप बिजनेस सेटअप करोगे, कभी आपका एम नहीं होता कि मैं अरबपति आदमी बन जाऊं। सबसे पहले आप क्या कहते हो, आप सबसे पहले सोचते हो कि यार बस मैं इतना रेवेन्यू कमा लूं कि मेरी कॉस्ट कवर होती रहे, यानी कि प्रॉफिट ना भी हो बस इतना तो आता रहे कि मेरी कॉस्ट निकलती रहे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। शुरू में बिजनेस शुरू करता आदमी ऐसे ही सोचता है, यानी कि सर्वाइवल हो जाए। उसके बाद बेटा कुछ टाइम सर्वाइवल के बाद आप सोचते हो कि अब मेरा रेवेन्यू मेरी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ मेरे लिए प्रॉफिट बचना चाहिए। और बेटा कुछ टाइम के बाद अब आप चाहते हो ग्रोथ हो। और बेटा हर इंसान के ना ग्रोथ को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। ग्रोथ सबके लिए कभी एक जैसी नहीं हो सकती। देखो मैं बताता हूँ, कोई इंसान ग्रोथ को कैसे देखता है। एक इंसान कहता है, जब मैं मार्केट में आया तो मैं दो प्रोडक्ट बनाता था, आज मेरी कंपनी 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ग्रोथ हुई है? ग्रोथ हुई है। वो कहता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट मेरे लिए ग्रोथ है। एक आदमी कहता है, जब मैं शुरू किया था धंधा तो पहले साल की सेल हमारी 20 लाख रुपए थी, आज हमारी सेल 20 करोड़ क्रॉस है, इंक्रीज इन सेल भी ग्रोथ होती है। एक आदमी कहता है, जब मैं आया था मार्केट में तो मेरे पास 2 एम्प्लॉय काम करते थे, आज मेरे पास 25 एम्प्लॉय हैं, क्या ये ग्रोथ है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी ग्रोथ होती है। एक आदमी कहता है, जब मैं आया था मार्केट में मेरे पास एक फैक्ट्री थी जिस 100 गज की थी, आज मेरे पास 4 फैक्ट्री हैं और टोटल जगह मेरे पे मिला के 2500 गज है, कहाँ 100 गज कहाँ 2500 गज, क्या ये ग्रोथ है? ये भी ग्रोथ है। तो बेटा ग्रोथ सबके लिए अलग अलग है। कोई कहता है इंक्रीज इन सेल मेरे लिए ग्रोथ है, कोई कहता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रोथ है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ग्रोथ है। ग्रोथ कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। समझ में आएगा बाबू, ये तीनों ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं एक ही बात से रिलेट करते हैं, तब इसको इकोनॉमिक हेड में लिखा जाता है। क्या बेटा मैनेजमेंट सिर्फ पी अचीव कराने के लिए बना है? नहीं बेटा, मैनेजमेंट आपको गाइड करता है एक सोसाइटी का बना भी सोचो, बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करो। और सोशल ऑब्जेक्टिव की कोई एक काउंटिंग नहीं है, कुछ लिखो, सेनो टू प्लास्टिक बैग, पॉल्यूशन फ्री इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेना, नेशनल इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, ब्ला 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 ब्ला, जो मर्जी लिखो, सोसाइटी का भला दिखना चाहिए। ठीक है, देन बेटा सीक्वेंस में आता है आखिरी नंबर पर्सनल ऑब्जेक्टिव का। इधर वैसे तो बेटा आप डायरेक्टिंग में पढ़ चुके हो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, याद है बेटा हम एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी बहुत ध्यान रखते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। मोटिवेशन में पढ़ा आपने, क्या होता था मोटिवेशन? एम्प्लॉय के नीड्स आइडेंटिफाई करो, उसको सेटिस्फाई कर दो, और फिर उसको कहो कि हमारे गोल्स भी अचीव करा दे, भाई तेरे गोल्स तो हमने पूरे कर दिए। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव के भी अचीवमेंट की बात करता है। तो बाबू हम एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव कर रहे थे ना फुलफिल, मैनेजमेंट के तो पार्ट है डायरेक्टिंग, पोस्ट डीसी किसका पार्ट है? मैं आपको बता देता हूँ अगले कुछ टॉपिक, जैसे कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैं खुद कभी नहीं पढ़ाता,
मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लेता हूँ उसकी, आप पढ़ना ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी आप पढ़ोगे थोड़ी देर के बाद इसको। सर जहां जहां भी आपको डाउट हो ना कि मैं लैंग्वेज का लिखूंगा, मैनेजमेंट वर्ड को ना दिमाग में रिप्लेस कर देना विद पोस्ट डीसी, आपको लगता है तो बहुत सिंपल होगी चीज। तो मैनेजमेंट कुछ और नहीं, पोस्ट डीसी तो है। अगर वो कह रहे हैं मैनेजमेंट आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कराता, तो गलत थोड़ी कह रहा है, डायरेक्टिंग कराता तो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव एम्प्लॉइज का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात? तीनों बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। बेटा एक टॉपिक है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट वन। बेटा मैंने ना कोऑर्डिनेशन का हमेशा एक जैसा एग्जांपल आपको दिया। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठाना, आप उस दिन बता रहे थे मेरे को ऐसा कुछ। और बाबू कोऑर्डिनेशन मतलब यूनिटी अमंग एक्शन है ना, जब सबके एक्शन एक जैसे दिख जाएं, जब सब एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करें तो हम उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था शायद, कि पार्थ रचित और दिव्य को शायद देहरादून जाना है, और तीनों ने डिसाइड करा कि हम मिलेंगे नौगजा पीर पर, 7 बजे मिलेंगे। एक आदमी 7 बजे आ रहा है, 7:15 आ रहा है, 7:30 आ रहा है, अच्छा 7 बजे तू आया ठीक है, तो 7:15 है, रचित 7:30 है, अच्छा तो बाबू अच्छा तो आप बताओ 7 बजे मिलने का प्रॉमिस था, और एक आदमी 7 बजे आया, दो आदमी 7 बजे से लेट आए, आखिरी आदमी 7:30 बजे आया, क्या ये कोऑर्डिनेशन में थे, क्या ये डायरेक्शन में काम कर रहे थे? बेटा नहीं, एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते अगर तीनों 7 बजे तक पहुंच जाते, हम बोलते सब कोऑर्डिनेशन में। बेटा अगर आप 7:30 बजे आए हो तो आपको दिखाई दे रहा है बाकी दोनों इंसान के समय की बर्बादी हो रही है। सेम काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग कोऑर्डिनेशन में नहीं होते, इट रिजल्टेड इन टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के समय की भी बर्बादी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस की भी बर्बादी होती है अगर कोऑर्डिनेशन में नहीं होते। अब वो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक बार फटाफट से निकाल लो टॉपिक, तीन हेडिंग होगी उसमें। पहली हेडिंग होगी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन होगा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, देन स्पेशलाइजेशन। तीन हेडिंग होगी बेटा, पेज नंबर 7, एक पेज नंबर 7, एक पर है बेटा कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। बाबू तीन इंपॉर्टेंस है, नहीं तो देखना बाबू। पहली हेडिंग है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपने नोट्स में निकाल लिया, सब मेरी तरफ देखो, मैं पढ़ने का समय दूंगा। बेटा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिखा है, कहता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ती चली जाएगी, यहाँ साइज का मतलब इंक्रीज है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ते चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ती चली जाएगी, कहता है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। देखो मैं कहता हूँ आप ऑर्गेनाइजेशन में दो ही लोग हो ठीक है, जैसा काज भाई मैं हूँ ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर आना होता है 2:30-3 बजे, एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं, चलते हैं। सर आसान है ना दो बंदों में कोऑर्डिनेशन बिठाना, अच्छा ये 20 हो जाए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगी ना कोऑर्डिनेशन की, ये 200 हो जाए तो और ज्यादा महसूस होगी ना जरूरत कोऑर्डिनेशन की, और ये 2000 हो जाए तो कहते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत और ज्यादा दिखाई देती है, और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उसकी। क्लियर बात समझ में आती है बात? तो वो सेकेंड हेडिंग लिखी गई है फंक्शनल डिफरेंसिएशन। आप सबने मुझसे ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है बेटा, बाबू मैं कहता हूं आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना भी तीन डिपार्टमेंट में बांटा है, प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स। मान लो यही तीन मेजर एक्टिविटी थी, तो आपने तीन फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, तीन डिपार्टमेंट में बांट दिया ठीक है जी, प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स। मैं कहता हूँ बेटा अब आप चाहते हो इसको फर्दर और डिपार्टमेंट में बांटना, चार को आप 10 डिपार्टमेंट बन जाए। सर वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है जैसे जैसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन है हेडिंग का नाम, ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ते चले जाएंगे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तीन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाना शायद बहुत आसान है,
10 में पसीने छोड़ देंगे, और मैं कहूं आपकी कंपनी ने 3 प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। पहले एक प्रोडक्ट में 10 डिपार्टमेंट, डिविजनल स्ट्रक्चर भी याद हुआ, फिर दूसरे प्रोडक्ट में 10 डिपार्टमेंट, फिर तीसरे प्रोडक्ट में 10 डिपार्टमेंट, अब नानी दादी याद आ जाएगी। और मैं कहूँ अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट के हमने 10 बनाने शुरू कर दिए, 10 10 प्रोडक्ट, सब में 10 10 डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन बिठाते बिठाते पसीने आ जाएंगे। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है, अगर फंक्शनल डिफरेंशिएशन कम होती है, मतलब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिवीजन कम होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत आसान है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ेगी। गलत थोड़ी क्या, सही कह रहा है ना बात। बाबू लास्ट हेडिंग है स्पेशलाइजेशन। बेटा अच्छा, अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि स्पेशलाइजेशन का कल्चर है हर तरफ, लोग छोटे छोटे स्किल पकड़ के बैठ जाते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन करके बैठ जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी स्पेशलिस्ट पीपल को हायर करती है छोटे छोटे काम के। और वो अब इसकी वजह से भी बेटा कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वो एक ना पोस्ट है मिडल लेवल पर, कल हम पढ़ रहे थे फैक्ट्री मैनेजर, सारे मैनेजर यहीं पर आते हैं, फैक्ट्री मैनेजर भी यहीं आता है। बेटा लोअर लेवल पे मैंने आपको ये कहा था, 2 3 पोस्ट के मैंने नाम बताए थे, फॉरमैन, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, और एक आधा फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये 4 नाम बताए थे मैंने, कहा था और कोई भी आ जाए सब लोअर लेवल पे काम करते हैं। बाबू आपने ना एक मशीनरी खरीदी है, इंपोर्ट की है फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, और उस मशीनरी को चलाने के लिए ना आपने एक स्पेशलिस्ट हायर करा है, मशीन ऑपरेटर। कहाँ काम कर रहा होगा मशीन ऑपरेटर, लोअर लेवल पे। और बेटा किसके अंडर काम कर रहा होगा, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर काम कर रहा होगा, बड़ी पोस्ट है फैक्ट्री मैनेजर, उसके अंडर ही चलती है पूरी फैक्ट्री, जितने भी लोग होते हैं सब उसके अंडर ही काम करते हैं। अब ये मशीन ऑपरेटर स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा किसी को चलानी नहीं आती फैक्ट्री में मशीन, ठीक है। बेटा ऐसे लोगों का ना एटीट्यूड अलग होता है, ये लोग कब्जे में नहीं आते। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, जो छोटे स्किल वाले लोग होते हैं ना, ये दुनिया में सबसे गड़बड़ करते हैं। एक तरफ तो वह है जिनको कुछ नहीं आता, ये डाउन टू अर्थ है। एक वो है जिन्होंने दुनिया में पता नहीं कितनी पोस्ट हासिल कर ली, पता नहीं कितने अवार्ड जीत लिए, ये भी डाउन टू अर्थ हो जाते हैं एक टाइम का, लगता क्या है कुछ नहीं है। तो ये बीच के लोग हैं ना, छोटे छोटे स्किल वाले, ये खून के आंसर रहते हैं। जैसे कि मैं तो साइट बना रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा सा आइडिया है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, सच में ही खून के आंसर हो जाते हैं। इनके पास काम इतना इतना होता है, इनके पास स्किल है, हर आदमी इनको बुला रहा है, ये बहुत तंग करता है। अब सेम बात इस मशीन ऑपरेटर के साथ है, बाबू ही वांट्स टू वर्क इन आइसोलेशन, ये कहता है मैं ही ऑर्डर रिसीव करूं, मशीन मुझे चलानी आती है, मैं तो नहीं मानता फैक्ट्री मैनेजर का ऑर्डर, मैं क्यों मानूं, उसे आती है चलानी, वो चला के बताते, उसे चलानी नहीं आती, चलानी मुझे आती है, फिर भी मैं उससे ऑर्डर रिसीव करूं, मैं तो नहीं करता। तो बेटा स्पेशलाइजेशन के चक्कर में ना ऑर्गेनाइजेशन में क्योस क्रिएट हो जाता है। आप चाहते तो स्पेशलाइजेशन हो, लेकिन बेटा जो स्पेशलिस्ट आदमी है वो किसी की सुनना नहीं चाहता। तो कहता है ऐसी सिचुएशन में भी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जितने ज्यादा स्पेशलिस्ट हायर करेंगे ना उतने ज्यादा आइसोलेशन में काम करना चाहेंगे, वो नहीं रिसीव कर सकते किसी का ऑर्डर। समझ में आई बात, तीनों हेडिंग फटाफट से पढ़कर बताना, अंदर तक मैटर पढ़ दो फटाफट से। बाबू मैंने इसके बाद 3 टॉपिक छोड़ दिए हैं, वो कर लें आपने, प्रॉब्लम में देखूंगा, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, तो